अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल पास करवाने हंगर स्ट्राइक पर गए, ये तो सबको पता ही होगा, और सरकार ने उनकी डिमांड्स मान ली, ये भी आप सबको पता होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा, इन अ मूव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट आर्बिट्री फी हाइक्स बाय स्कूल्स, पेरेंट्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विथ मेंबर्स ऑफ फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन डिसाइडेड टू स्टेज एन इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक एट आजाद मैदान फ्रॉम 13 अप्रैल 2011। यस, एंड डोंट बी सरप्राइज इफ हंगर स्ट्राइक बिकम्स द इन थिंग। कुछ कुछ टीवी चैनल्स वालों ने हंगर स्ट्राइक पर रियलिटी शोज भी प्लान कर लिया। लेट्स स्टार्ट विद फक्ड अप रियलिटी शो किंग इमेजिन टीवी। करूंगी भूख हड़ताल अगर नहीं मिला इंसाफ। ऑफ कोर्स इस शो को होस्ट करेंगे राखी सावंत, और इस शो में आने वाले लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे और इंसाफ मांगेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो अन्न का एक भी दाना मुंह में नहीं, और जब तक कोई मर न जाए तब तक इमेजिन वाले किसी को इंसाफ नहीं देंगे। दिस विल बी फॉलोड बाई न्यू शादी शो विथ हंगर स्ट्राइक इन, जहां एक बंदा या बंदी फ्रॉम हरियाणा और पंजाब विल डिक्लेयर ऑन नेशनल टेलीविजन उसे 50 करोड़ की शादी करनी है, और जब तक कोई उसे शादी के लिए 50 करोड़ डोनेट नहीं करता तब तक वो अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाले। ऑब्वियसली इस शो में उस बंदे के मरने के चांसेस पक्के हैं। दिस इज वॉट एक्साइट्स द इमेजिन गाइस, दे लाइक टू किल थिंग्स एंड दे वोंट स्टॉप टिल दे किल द चैनल। सोनी विल कम अप विद अनशन डांस रियलिटी शो, जहां 13 सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट सेलेब कंटेस्टेंट जिसमें एक होंगे सीआईडी के दया और दूसरी जस्सी अका मोना सिंह। यहां सारे सेलिब्रिटी भूखे पेट डांस करें, और सोनी वाले इस शो के बहुत सारे प्रोमोज बनाएंगे, एंड आई एम श्योर प्रोमो भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सोनी टीवी साल में इतने सारे नए टीवी शोज लॉन्च करता है कि उनकी प्रोमो टीम प्रोमो बनाने में एकदम घासू होगी, कड़क होगी। आपको पता है सोनी टीवी पर सीआईडी के बाद सबसे ज्यादा क्या चलता है? प्रोमो। यूटीवी बिंदास वालों को पता चला है कि अन्ना हजारे की हंगर स्ट्राइक में यूथ ने काफी पार्टिसिपेट किया था, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग नाउ यूथ बेस्ड हंगर स्ट्राइक रियलिटी शो, जहां बंदे और बंदियां ऑफकोर्स फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब एक साथ एक घर में रहेंगे और बिना खाए एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, गालियां देंगे, सेक्स करेंगे, और जो आखिर तक मरेगा नहीं वो विनर घोषित किया जाएगा। अन्न शन किंग या क्वीन। लेकिन अब जब हंगर स्ट्राइक को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, एंड वी ऑल्सो नो दैट इट वर्क्स, तो हम सब हमारी जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हंगर स्ट्राइक पर जाकर पा सकते हैं। सो हियर इज जेन्स टॉप 5 प्रॉब्लम्स जिनका सोल्यूशन हंगर स्ट्राइक से आपको मिल सकता है। नंबर 5, अर्जुन रामपाल, फरदीन खान, जायद खान, रितेश देशमुख और उदय चोपड़ा एक्टिंग छोड़ दे वरना हम हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। नंबर 4, चेतन भगत की बुक पर फिल्म बनाना बंद करो नहीं तो हम हंगर स्ट्राइक पर जरूर जाएं। नंबर 3, चेतन भगत को बुक लिखने से ही रोको नहीं तो हम हंगर स्ट्राइक पर अवश्य जाएंगे। नंबर 2, भारत सरकार को हर साल मधुर भंडारकर को नेशनल अवार्ड देने से रोको नहीं तो हम हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे। नंबर 1, शरद पवार ने 2011 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो इंडियन टीम के साथ ट्रॉफी उठाते हुए पिक्चर खिंचवाई थी उस पिक्चर को इस दुनिया से गायब कर दो नहीं तो हम अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगे। ऑल्टरनेटिवली शरद पवार को गायब कर दो, हम खाना खा लेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि इस देश से क्रिकेट को कम से कम 5 साल के लिए बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। मैं इन्हें गायब करने की कोशिश करता हूं, तुम सब जाओ और आईपीएल देखो। साले क्रिकेट एडिक्ट्स। टेक ऑफ। जय हिंद। Chase, chase, chasing butterflies.
You're too slow, the peak is too high, and you're too slow, baby.